नमस्कार, मैं शिवम पटेल। आप देख रहे हैं मेरी जुबान समाचार। रुक करते हैं खास खबरों की तरफ। कृषि कानून का जलाया पोस्टर, था में कृषि कानून मेले का आयोजन, अपग्रेड हुई छात्रवृत्ति स्कीम, उपेंद्र रावत। मकर संक्रांति पर्व पर बच्चों व युवाओं में उत्साह। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए 3 कृषि कानूनों के विरोध में आज विलोबी मैदान में अखिल भारतीय किसान महासभा लखीमपुर खीरी के प्रदेश उपाध्यक्ष राम दरस और भाकपा माले केंद्रीय कमेटी सदस्य कृष्णा अधिकारी के नेतृत्व में किसान विरोधी 3 कृषि कानूनों की जलाई गई प्रतियां। लोहड़ी का दिन है और करीब 47 दिन हो गया हमारे किसान दिल्ली बॉर्डर पे किसान विरोधी 3 काले कानून को रद्द किए जाने की मांग करते हुए धरने पर बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं। वहाँ करीब 70 लोगों से अधिक शहीद हो चुके हैं, लोग अपने प्राण दे चुके हैं, वहाँ आत्महत्या भी कर रहे हैं। तब भी ये भाजपा की सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कृषि कानून को रद्द नहीं किया जा रहा है तो कृषि कानून को रद्द किया जाए, इस मांग को लेकर के आज लोहड़ी के दिन आज हमने 3 कृषि कानून का पुतला प्रति यहाँ पर हमने जलाया और हमने विरोध किया कि किसी भी कीमत पे कृषि कानून अगर वापस नहीं होगा तो ये आंदोलन नहीं रुकेगा। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि ये कृषि कानून की वापसी नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में जनपदों के विकास खंडों में किसान मेला एवं गोष्ठी कराकर किसानों को जागरूक करने का प्रयास करने से चूक नहीं रही है। जिले के 7 विकास खंडों में आयोजित हुए किसान कल्याण में अपर मुख्य सचिव कृषि एवं अन्य 6 विकास खंडों में जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। ब्लॉक नकहा में अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी, सदर विधायक योगेश वर्मा, डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह व सीडीओ अरविंद कुमार सिंह की मौजूदगी में संयुक्त रूप से संपन्न हुआ मेला। अनुसूचित मोर्चा के अवध क्षेत्र अध्यक्ष एवं सांसद उपेंद्र रावत ने कहा कि केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम को अपग्रेड किया है। इससे छात्रों को आसानी से छात्रवृत्ति मिल सकेगी और वे अपनी उच्च शिक्षा आसानी से पूरी कर सकेंगे। उपेंद्र रावत बुधवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने 50,048 करोड़ रुपए के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपए यानी 60% राज्य सरकार वहन करेगी। अभी तक जो है एक अनुमान के मुताबिक अनुसूचित जात जनजाति के छात्र 10वीं कक्षा पास करने के बाद करीब करीब 1,36,00,000 ऐसे छात्र होते हैं जो 10वीं कक्षा पास करने के बाद उच्च शिक्षा में नहीं जा पाते। उसका कारण ये होता है कि वो आर्थिक रूप से गरीब होते हैं। तो इसके लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया है, हमारे केंद्र की सरकार ने 2017 से लेकर 2020 तक 1100 करोड़ रुपए का उनकी धनराशि इस पर खर्च की जा रही थी, इनकी शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति पर। उसको बढ़ा करके सरकार ने 6000 करोड़ रुपए किया है, जो करीब करीब 5 गुने से ज़्यादा है। और इसमें एक और सुधार किया है कि अभी तक ये देखने को मिला, शिकायतें आई कि जो निजी प्रबंध तंत्र के विद्यालय थे वो बच्चों का दाखिला लेते थे और अपनी मन मर्जी के मुताबिक जो है वो बैंकों में खाता खुलवाते थे और साथ ही साथ में विद्यालय पर उनका हस्ताक्षर करा करके रख लेते थे। छात्रवृत्ति आने पर उसको निकाल करके उसकी बंदर बांट होती थी। सरकार ने इस पर बहुत गंभीर हुई और ये भी सुधार किया कि छात्र अब किसी भी बैंक में वो अपनी मन मर्जी के बैंक में खाता खुलाएगा और सीधे DBT के माध्यम से उसके खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, ताकि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके और इस देश के निर्माण में वो अपना योगदान सुनिश्चित कर सके। 14 जनवरी को होने वाली मकर संक्रांति के एक दिन पहले से ही लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया और युवा काफी जोश में दिखे। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा चली आ रही है, इसके चलते पतंगों की दुकानों पर बच्चों और युवाओं की भारी भीड़ दिखी। जिस बाजार में पतंग की दुकानें हैं वहां भीड़ के कारण सड़क पर गुजरना तक मुश्किल हो गया। मकर संक्रांति के एक दिन पहले आसमान में पतंगे खूब उड़ती दिखाई दी। ये थी तक की खास खबरें। देखते रहिए मेरी जुबान समाचार। धन्यवाद।